हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। खिचे फ्रीस्टाइलर इज अ चैनल बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू वीडियो। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक होल। ब्लैक होल एंड सो ब्लैक 1970 से पहले मेरी रिसर्च ने जनरल रिलेटिविटी पर ध्यान केंद्रित किया था। सवाल ये है कि बिग बैंग थियरी की कोई विशेषता थी? मैं ब्लैक होल के बारे में सोचने लगा कि ब्लैक होल के अंदर स्पेस टाइम में कौन सा पॉइंट है और बाहर की तरफ कौन सा पॉइंट है कि कोई भी एनर्जी अंदर गई फिर बाहर नहीं आ सकती। मैंने पहले ही ब्लैक होल को इल्यूमिनेट करने के विचार पर चर्चा की थी, उन घटनाओं का समूह जिनसे बड़ी दूरी पर भागना संभव नहीं था। दिस इज नाउ द डेफिनेशन एक्सेप्टेड। इट मीन्स दैट द बाउंड्री ऑफ ब्लैक होल्स द इवेंट हॉरिजॉन एंड लाइट की किरणों से बनती है, पर वे बस पाने में विफल रहती है ब्लैक होल से दूर। इंस्टेड ऑफ वे हमेशा ब्लैक होल के किनारे होवरिंग करती है। सडनली आई रियलाइज दैट इन प्रकाशों की किरणों के मर्ज एक दूसरे से निकल नहीं सकते। दे मस्ट इवेंचुअली रन इंटू ईच अदर या किसी अन्य व्यक्ति के विपरीत दिशा में। पुलिस से दूर भागने की तरह आप दोनों पकड़े जाएंगे या तो दोस्तों कोई एक ब्लैक होल में गिर जाएगा। लेकिन अगर इन प्रकाश किरणों को ब्लैक होल द्वारा निगल लिया गया तो फिर वे ब्लैक होल की बाउंड्री पर होवरिंग नहीं हो सकते। इसलिए इवेंट हॉरिजॉन में प्रकाश की किरणें एक दूसरे से पैरेलल या तो दूर जा रही होगी। इसे देखने का एक अन्य तरीका यह है कि हॉरिजॉन इवेंट ब्लैक होल की बाउंड्री पर एक शैडो की तरह लगता है या एक प्रकाश की एज से बचने का एक ग्रेट डिस्टेंस है, लेकिन इक्वली या आसमान कयामत की शैडो है। और अगर आप एक शॉट द्वार चाहे तो एक बड़ी दूर पार देखते हैं, जिसे कि सूरज आप देखोगे कि किनारे पर प्रकाश की किरणें एक दूसरे के निकट नहीं आ रही है। अगर प्रकाश की किरणें इवेंट हॉरिजन का फॉर्मेशन करती है तो ब्लैक होल की बाउंड्री एक दूसरे के करीब नहीं आ सकती है और इवेंट हॉरिजन वहां रह सकता है और ज़्यादा बड़ा हो सकता है या कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। इसका मतलब यह होगा कि कम से कम बाउंड्री में लाइट की कुछ रेस तो होनी ही चाहिए। इनफैक्ट जो एरिया इंक्रीज होगा और जो रेडिएशन निकलेगी वो ब्लैक होल में गिर जाएंगी। सो दोस्तों, एक और बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि दो ब्लैक होल टकरा गए और आपस में मर्ज होकर एक नया एकदम लार्ज विशाल न्यू सिंगल ब्लैक होल फॉर्म हो जाएगा। तब लास्ट ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन का एरिया बन जाएगा और फाइनल ब्लैक होल इन दोनों में से सबसे बड़ा होगा ओरिजिनल ब्लैक होल से। दिस इंसिडेंट्स आर इक्वल टू इवेंट हॉरिजॉन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द बिहेवियर्स ऑफ ब्लैक होल्स। आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड फाइनली ब्लैक होल्स सेटल डाउन एट देयर प्रॉपर एरिया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही ब्लैक होल के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। और तारे, हाउ स्टार्स आर फॉर्म, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इसलिए वहाँ से जाके देख लीजिएगा। थैंक यू।